कि बेबी गर्ल है या बॉय, तो ये करके बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो देखो काजल वहां पे बैठी है, बेबी सो रखा है। और बेबी के लिए बिल्ली है मैंने। तो भैंस की जगह पे है बैल, क्योंकि डांडा वाले तो अभी आए नहीं है, खाना भी तो नहीं खाया है मैंने। अरे देखो कबूतर को बुला रही। अच्छा मैं पकड़ती हूँ, पर नीचे मत जाना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नीता भगिया, स्वागत आपका मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही दिन के करीब 1:30 बजे से, और अभी मतलब घर पे कोई नहीं है और रात भी बारिश पड़ गई है। हालांकि आजकल आप लोगों को पता ही होगा खेत का काम है, तो मेरे ननद और मैं साजी गई है डाना खेत का काम करने, और नीति कांची स्कूल, और दादी जी है अपने रूम में, दूसरे रूम में मतलब। तो मैं हूँ अभी यहाँ पर ना, बहुत लेट से ब्लॉगिंग कर रही है मैंने, क्योंकि अभी तक ना मेरा बहुत सारा काम था, तो इसलिए कारण से भी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाई। और मीन है मेरा फोन, तो फोन चार्ज नहीं था, तो मैंने लगाया था ये चार्जिंग पे, और आई मैं बाद में 10 बजे के करवन ऊपर, तो देखा तो फोन चार्जिंग नहीं, मतलब लगाया तो था मैंने, बटन भी चालू था और मतलब चार्जर ढंग से नहीं लगा था, क्योंकि मैंने मतलब उस टाइम ना मेरे को कुछ काम पड़ गया था मेरे ख्याल से, और मैंने फटाफट से लगाया और फिर ना ढंग से नहीं लगी थी। बाद में देखा मैं निकाल रही थी मैं चार्ज मतलब फोन की हो गया होगा चार्ज, देखा तो फोन बैटरी लो हो रखी थी। तो मैंने अभी थोड़ा फोन का वेट किया चार्ज होते होते, मतलब वैसे तो फोन मेरा आधा मतलब 15-20-25 मिनट में चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर मेरे को काम पड़ जाता है तो उसी में व्यस्त रहती हूँ काम ही में। तो ऐसे ऐसे करके ब्लॉगिंग आज लेट कर रही हूँ मैं ना। मैंने लम्बी माला भी पहनी है, क्योंकि आज ना यहाँ पे मतलब जुड़ी बिन्नी वाले भैया रखे थे, और मैंने सोचा एक लम्बी माला मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ सामान लिया मैंने, अंगूठी भी ली और मतलब बिच्छू वगैरह ऐसे ही करके लिए मैंने, और बेबी के लिए भी लिए मैंने छोटे से तोहफे, तो आज नहीं बताऊंगी आप लोगों को, अगले ब्लॉग में बताऊंगी बोला कि क्या लिया मैंने उसके लिए। तो रात गई है परेकोड़ा, क्योंकि वहाँ है बेबी, तो बेबी के साथ गई है, और ससुर जी भी है वहाँ, तो ससुर जी भी के साथ भी गई है। और बात है कि मैं आज ना आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊंगी कि बेबी गर्ल है या बॉय, तो ये करके बताऊंगी मैं आप लोगों को, तो आप लोग ना वेट कीजिए तब तक। और तो चलो चलती मैं भी अभी ना, मैंने प्रेस भी करनी है कपड़ों पे, ये देखो मेरे कपड़े पड़े हैं और इन पे ना प्रेस करनी है, क्योंकि मेरी जाने की तैयारी है कल कहीं और। तो देखना आप हमारा ब्लॉग, तो कल कहाँ जाने की तैयारी है मेरी, क्योंकि आप लोगों को अभी अभी वेट होगा मेरा भी, तो इसी कारण से जाना है मेरे को कल भी। तो कल का ब्लॉग भी आप लोग जरूर देखना, और आज का तो खैर आप लोग जरूर ही देखना। तो चलो तो मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ कि आज कैसा मौसम है, एंड कैसा मतलब मौसम तो वही है जो डेली रहता है, आजकल धूप खिली है और थोड़े थोड़े बादल भी आए हैं आसमान पे, और बाकी ये डेली की तरह हमारा काम है, जो कि मैंने यहाँ पे नाच डाला है, और वहाँ पे छेमी वगैरह और मक्का वगैरह है, और यहाँ पे सोयाबीन भट्टे मतलब सोयाबीन काले भट्टे भी, और सोयाबीन भट्टे भी और काले भट्टे भी डाले मैंने यहाँ पे। डांडे वाले तो आए भी नहीं अभी, चलो मैं लेके जाती हूँ नीचे भात, क्योंकि तब तक आ जाएंगे तो ठीक है, न आएंगे तो मैं आलू को लेने चल दी पारे कोड़ पहले, और ये लोग तो आएंगे भी नहीं, और आलू ने भी नहीं खाया यार खाना। मशीन से बात निकालना है तो कैसे निकाल, दोनों हाथ से निकालना पड़ता है, नहीं कि हाथ से नहीं आता है। अब मेरा कैमरा पता नहीं कैसा है, दिख भी रही हूँ मैं कि नहीं दिख रही हूँ उस पर। मशीन बहुत ज्यादा गर्म रहती है, तो किस चीज से लेके जाऊँ मैं, अपने स्टोव से लेके जाती हूँ। तो चलो चलते वाले तो अभी आए नहीं है, खाना भी तो नहीं खाया है मैंने भी, और दादी को भी नहीं दिया अभी तक, आराधे तो हुई है उसने तो खा लिया होगा। तो मैं बैल को बैल की जगह पे बांध लेती हूँ, भैंस को निकालती हूँ पहले बाहर, भैंस न लाया ना आज तो भैंस को फिर ठंड हो जाएगी अंदर ही अंदर।
को लेने चलती हूँ बेल, और आदू को लाती हूँ, और अकेले में भी कैसे खाएंगा आदू के लिए कहते। ये देखो हमारे यहाँ पे फूल, सोने सोने फूल आ रखे हैं नीचे, यहाँ से ना आराम से जाने में आज पता नहीं किस काम में दादी की सास होगी आराम से, हम देखना कैसे ध्यान। मेरे आदू ने भी नहीं खाया खाना और सो रखी आराम से, खाना नहीं खाया बल दादाजी, मतलब उसके दादाजी बोल रहे नहीं खाया बल, तो मैं तो खाती हूँ क्योंकि वो कहीं नहीं दिख रही मेरे को, दादी को देती हूँ, दादी को भी भूख लग गई होगी। अरे देखो कबूतर को बुला रही, अजय बोल मैं पकड़ती हूँ, पर नीचे मत जाना उसके साथ, हट मैं पकड़ू, हट आ जा, ये उड़ेगी नहीं पकड़े ना दो पहन मतलब आप लोगों को बताने जा रही थी कल हुआ कि बाय बाय ये करके। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, जो आपने मतलब मेरी देवरानी को भी और मेरे को भी मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो इसके लिए आप लोगों के लिए मेरा बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आपने मतलब मेरी देवरानी को भी बहुत सारी बधाइयाँ दी है तो ये करके भी, और मैं ताई बन गई हूँ ये करके भी, तो आप लोगों का मतलब मेरा बहुत बड़ा थैंक यू। तो अब मतलब तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मेरी देवरानी का क्या हुआ है, तो मैं चलती हूँ पारेकोड़ा और वहीं पर बता सकते हैं। तो मैं ऐसे साइड पे बैठी हूँ, काजल वहाँ पे बैठी है, बेबी सो रखा है, तो मैं बोल रही थी बोला बेबी क्या हुआ, तो हमारी बेबी हो रखा है मतलब बेबी गर्ल हो रखी है, मतलब आराध्य की दोस्त हो रखी है ना, तेरी दोस्त हो रखी है, ये देखो गंदी बुल्ली कहाँ है, बुल्ली कहाँ है, बुल्ली कहाँ है, देखो कैसे करके दिखा रही हूँ वहाँ पे, तो बेबी गर्ल हो रखी है चाची का भाई का, चाची का बाई चाची तक का बाई बाई इम्बो बुल्ली बाय इम्बो कल मिलेंगे, अभी अपने घर चलते हैं। बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बेबी गर्ल हुआ है भाई, बुआ गर्ल हुई है, तो वो आना मतलब ज़्यादा तेज आवाज़ से नहीं बोलना पड़ता है, तो इसलिए ना मैं हल्के हल्के से आवाज़ से बोला है, और उम्मीद करूँगी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, वैसे तो सुनाई तो दे रहा है लेकिन फिर भी। अब बाद की कांची की बुआ की आदू की बुआ आ गई है स्कूल से और खाने लग गई है कुरकुरे। तो चलो दोस्तों आज तो आप लोगों को दिखाई दिया है बेबी गर्ल है कि बाई है ये करके, तो चलो दोस्तों आज इस ब्लॉग को यहीं फैन करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।